हेलो नमस्कार, आप लोग का फनी गेम में स्वागत है। और भाई आपका मोस्ट वेटेड वीडियो आज आ गया है, तो फटाफट इसको शेयर करना शुरू करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे मैक्सिमम लोग पास पहुँचाएं और इस वीडियो को भी मैक्सिमम लोग पास पहुँचाएं। तो इससे पहले का पार्ट तो आपने देख ही लिया, उसको जो है काफ़ी पसंद भी किया गया, तो इसको भी उसी प्रकार से पसंद करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए इसका PDF जो आपको 8 तारीख को मिलेगा, ध्यान रखिएगा 8 तारीख को मिलेगा। तो ये नहीं कि मतलब भाई हल्ला करने शुरू कर दो, ठीक है, 8 तारीख को आपको इसका PDF दे जाएगा, परेशान आपको नहीं होना है, PDF इसको मिल जाएगा आपको। पहले का भी दे दिया गया, इसका भी दे दिया, भाई PDF रख के हम करेंगे क्या, ठीक है। तो PDF आपको सभी चीज़ें दे दी जाएंगी, परेशान कुछ भी नहीं होना है। तो फटाफट इसको शेयर करें और यहाँ पे लाइक के साथ जो है पढ़ते हैं, ठीक है। देखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट जो है अपने सभी पॉइंट्स को, तो बढ़ेंगे और शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो समान ज्ञान महाभारत रिविजन 2, पहला पॉइंट आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट, तो कहाँ पे, हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द मोहनजोदड़ो, तो क्या होता है, मुर्दों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, वेर इज द सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी ऑफ द ऋग्वेद, कौन थे, इंद्रा। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, विच वॉज द मोस्ट इसके रिवर ऑफ ऋग्वेद, कौन थी, सरस्वती, ध्यान रखिएगा सरस्वती रिवर। महावीर स्वामी के पिता कौन थे, हु वॉज द फादर ऑफ द महावीर स्वामी, तो कौन थे, सिद्धार्थ। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन 1936 के अध्यक्ष कौन थे, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936, तो कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी, इन विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान वॉज डिमांडेड, तो कौन से, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट वन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ था, सिविल डिसओबेडिएंस मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर विच मूवमेंट, तो नमक सत्याग्रह आंदोलन, साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट की बात किया गया था आपका। जैसे ही यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को कंप्लीट होता है, यानी आपका क्लोज होता है नमक सत्याग्रह, उसके जस्ट ही बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे, हु वॉज द एडिटर ऑफ द मिरातुल अखबार, तो कौन थे, राजा राम मोहन राय। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो कौन थे, जे बी कृपलानी। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण, तो कौन थे, दीनबंधु। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है, इन विच स्टेट पुष्कर फेयर इज हेल्ड, तो कहाँ पे, राजस्थान में। हाल ही में कौन से भारतीय स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया, विच इंडियन साइट शुड बी इंक्लूड यूनेस्को सिटी, कौन, जयपुर सिटी, कब किया गया था, 2019 में। विश्व की सबसे बड़ी सेना किस देश की है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, किसके, चाइना की। भारत का सर्वाधिक मैगनीज उत्पादक राज्य है, द लार्जेस्ट मैगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो कौन है, उड़ीसा। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, द गेटवे ऑफ द मेडिटेरियन सी इज कॉल्ड, किसको कहा जाता है, जिब्राल्टर जलसंधि को। महान प्रवाल भित्ति किस देश में है, इन विच कंट्री इज द ग्रेट कोरल रीफ ऑफ लोकेटेड, तो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिकन न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो कौन है, जो बाइडेन। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड 12 जुलाई 1982। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक द ऑथर ऑफ द बुक्स विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम। गेहूं और जौ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, वेयर हैव द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द व्हीट एंड द बर्ली बीन फाउंडेड, कहाँ से, मेहरगढ़ से। इसरो का आगामी मिशन गगनयान कब प्रक्षेपित किया जाएगा, व्हेन विल बी द अपकमिंग मिशन ऑफ इसरो गगनयान बी लॉन्च्ड, तो इसको कब यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, 2021 दिसंबर आपका लास्ट तक है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है, द लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन दी, यहाँ पे देखिए गन्ना उत्पादक देश यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्टेट नहीं, यहाँ पे आपका कंट्री हो जाएगा, कंट्री यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कंट्री यहाँ पे कर लीजिएगा देश, तो देश आपका क्या है, ब्राज़ील है, तो आपको राज्य भी पता होना चाहिए, भाई राज्य जो है महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश अपना जो ऊपर नीचे दोनों होते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों की पहचान से संबंधित अनुच्छेद था, द आर्टिकल रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे 35 था, ये जो है वहाँ के स्थायी निवासी था, 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष देता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, वेरी हेडक्वार्टर ऑफ द आसियान, तो कहाँ पे, जाकार्ता में, जाकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, यानी किसे कहा जाता है, विच इज द कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, तो स्ट्रॉम्बली को कहा जाता है, स्ट्रॉम्बली ज्वालामुखी को यहाँ पे कहा जाता है। भाई जो लाइक नहीं किए फटाफट वो लाइक कर दें, ठीक है, सभी लाइक जरूर करें और उसको शेयर करें फटाफट,
नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल बूंदों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचते हैं, इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिजिड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? अम्ल वर्षा कहेंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, कौन थे? महावीर स्वामी। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? विन वाज द वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट 2000, यहाँ पे 5 आपका है। कछुआ पुनर्वास योजना कब शुरू की गई? विन वाज द टर्टल रिहेबिलेशन स्कीम स्टार्टेड, तो यहाँ पे कब किया गया? 2008 में। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हुई दी कॉल्ड दी फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो पाउल सैमुएलसन को। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? वेम्बनाड देखिए जी इन विच स्टेट, तो कहाँ पे? केरल में। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? विन वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन, तो कब किया गया? 1951 में। भारत में प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो कहाँ पे की गई? मणिपुर में की गई थी आपका 1960 में की गई थी, जीवी पंत की, जो कि आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय के यहाँ पे तौर पर नहीं, केवल कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था, केंद्रीय उसके आगे नहीं लगा हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका जीवी पंत जो यहाँ पे क्या था 1960 में था। भारत का मैकेली किसे कहा जाता है? हुई नोन एज द मैकेली ऑफ इंडिया, किसको? चाणक्य को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट, कब मनाया भाई? 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वेरी दी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कहाँ पे? दुबई यूएई में पड़ता है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपिया, कौन है? न्यूटन। सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद रिलेटेड टू संगीत यानी म्यूजिक। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? विन वाज़ दी मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड, कब हुई थी? 1906 में। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक है? द ऑथर ऑफ द बुक प्लेइंग इट माई वे रिटन बाई सचिन तेंदुलकर। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के हैं, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑडिटर ऑथर ऑफ द बुक हाफ गर्लफ्रेंड इज चेतन भगत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? विच आर्टिकल हैज बीन कॉल्ड द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको कहा गया? अनुच्छेद 32 को यहाँ पे कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का जो आपका अनुच्छेद है वो कौन है? 32 है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? विन डिड द साइमन कमीशन कम टू द इंडिया? 3 फरवरी 1923 को, 3 फरवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई भाई? विन वॉज द स्वराज पार्टी फाउंडेड 1923 में। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हु इज द नोन एज द हर्मिट ऑफ शिमला? ए ओ ह्यूम। कारगिल युद्ध कब हुआ था? विन डिड कारगिल वॉर हैपन? 1999। पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक कब होती है? विन इट अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन, कब होती है? 3 जनवरी को, 3 जनवरी ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को, यहाँ पे 3 जनवरी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, अब सही है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? विन वॉज द आरबीआई एस्टैब्लिश्ड, तो यहाँ पे एक यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 1 अप्रैल 1935, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935। भारत को सर्वाधिक आय कहाँ से प्राप्त? देखिए आय यहाँ पे इनकम की बात की जा रही है, इनकम फ्रॉम वेयर डज द इंडिया गेट द मैक्सिमम इनकम, ठीक है, तो कहाँ से? निगम कर से होता है। हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? ग्रीन रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विथ विच 5-ईयर प्लान, तो यहाँ पे देखिए थर्ड से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उत्पादन अच्छा हुआ था, इसलिए जो है यहाँ से इसकी एक शुरुआत मानी जाती है। मानुषी छिल्लर ने किस वर्ल्ड वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? इन विच ईयर डिड मानुषी छिल्लर विन द मिस वर्ल्ड टाइटल, कब जीता था? 2017 में। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? विन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्संस ऑब्जर्व, कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से आप प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अननेचुरल इकोसिस्टम, तो कौन है? धान का खेत, पैरिस ऑफ फील्ड। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई तथा लेंथ ऑफ द टोटल टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो कितनी है? 15,200 किमी। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? हु वॉज द वायसराय एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम काल का इतिहास किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? द हिस्ट्री ऑफ द गोल्डन पीरियड एंशियंट हिस्ट्री इज कॉल्ड द रूल ऑफ द विच डायनेस्टी, किसको कहते हैं? गुप्ता डायनेस्टी को। भीतरगांव मंदिर कहाँ है? वेयर इज द भीतरगांव टेम्पल, कहाँ पे? कानपुर में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? विन डिड महमूद गजनवी अटैक द सोमनाथ टेम्पल, कब किया था? 1025 एडी में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? वेयर इज द सरिस्का वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे? राजस्थान में। 13वां इंडियन प्रीमियर लीग कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 13th इंडियन प्रीमियर लीग हेल्ड, कहाँ पे? यूएई में। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, किससे? निशानेबाजी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विन द इंटरनेशनल ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे ऑब्जर्व, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने प्रतियोगियों को दिया गया? हाउ मेनी कॉन्टेस्टेंट हैव बीन गिवन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020, कितने? 5 को।
माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ द बुक माइंड मास्टर इज रिटन बाई विश्वनाथन आनंद। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द इंडिया? हीरा कुंड हो जाएगा। भारत की 2020 में फीफा रैंकिंग इन द फीफा रैंकिंग इन द 2021 एट्थ एंड 2021 वन फाइव्थ। इनमें से कंप्यूटर वायरस है और दी जी द कंप्यूटर वायरस कौन? मालवेयर। विश्व का पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट वर्ल्ड फर्स्ट स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग रोबोट कौन है? रश्मि। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन किस पार्टी से हैं? विच पार्टी इज दी न्यूली इलेक्टेड इस यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन फ्रॉम? तो किसे? डेमोक्रेटिक पार्टी से। वहाँ पे दो ही पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और एक आपका रिपब्लिकन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉफिक ऑफ कैंसर प्रोसेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया? 8। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? बाई व्हाट नेम इज दी ब्रह्मपुत्र रिवर नोन एज दी तिब्बत? किस? टीसांगपो के नाम से जाना जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो प्रेसिडाइज ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कौन करता है? स्पीकर। इसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे स्पीकर जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पोलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले। रामसर समझौता कब हुआ था? विन वाज द रामसर फैक्ट डन? कब? 2 फरवरी 1971। भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? वेयर इज द भितरकनिका नेशनल पार्क? तो कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? वेयर इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क? तो केरल में हो जाएगा। राइट आंसर केरल। उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में गैंडा परियोजना चलाई जा रही है? इन विच नेशनल पार्क ऑफ द उत्तर प्रदेश द स्कीम इज बींग रन ऑन द राइनोसोरस? तो कहाँ पे? दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में है। किस देश के संविधान में द्विसदनी व्यवस्था ली गई है? किस देश के संविधान से द बाई कैमरल सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द विच कंट्री? तो किसके देश से लिया गया? ब्रिटेन से। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? हाउ मेनी लैंग्वेज आर वर मेंशनड इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी थी? 14। यहाँ पे 14 थी, जो आज 22 हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? कितने हो जाएंगे? 12। उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया? व्हेन उत्तराखंड केम इनटू एक्सिस्टेंस? कब आया? 9 नवंबर आपका 2000 में। ईवीएम का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज ईवीएम? तो कौन था? केरल। 4 अगस्त 2020 में बेरूत बम विस्फोट का मुख्य विस्फोट था? द मेन एक्सप्लोसिव ऑफ द बेरूत बम्बिंग्स ऑफ द 4 अगस्त 2020? तो क्या था? ना अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे कहाँ पे था? लेबनान में था, ठीक है। दैनिक का देश आपको याद रखना लेबनान, लेबनान की राजधानी में हुआ था। लेबनान बेरूत पाउंड यहाँ पे मुद्रा चलती है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है? विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाई एरिया? कौन है? कक्ष कारण। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं? हाईएस्ट रन स्कोरर इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट? तो कौन है? सचिन तेंदुलकर। एक चीज़ भाई, अगर किसी को स्पीड लग रही है कि भाई तेजी से बहुत चल रहा हूँ, तो स्पीड आप स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी मैं इसलिए चल रहा हूँ कि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना बने। भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? तो कौन है भाई? झरिया है, झरिया झारखंड में पड़ता है। चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज दी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। 326 बीसी में सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो यहाँ पे 326 बीसी विच रिवर डिड अलेक्जेंडर्स आर्मी रिफ्यूज टू क्रॉस इट? किसको? ब्यास नदी को। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड? तो कौन है? सियाचिन। कहाँ पे? भारत में है। अर्जेंटीना की राजधानी इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट है, न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह है, द प्लैनेट विच द लोवेस्ट डेंसिटी इज द कौन है? शनि। यहाँ पे हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व और हाईएस्ट डेंसिटी जो है किसकी है? पृथ्वी की है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लीनियर पोजीशन टू द सन मून एंड अर्थ कॉल्ड? इसको क्या कहेंगे? सीजीगी कहेंगे। निम्न में से एक ज्वारी पत्तन बंदरगाह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टीडल फोर्ट? कौन है? कांडला। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होती है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन? किसमें होती है? राष्ट्रपति में। खोखो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द साइड ऑफ द खोखो? कितने होंगे? 9 प्लेयर। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? वेरी दी बद्रीनाथ टेम्पल? कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन? कितना है? यहाँ पे जो है 17, 17वें जो है भाग में किया गया राजभाषा का उल्लेख।
नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब पहुंचे थे? व्हेन डिड नील आर्मस्ट्रांग रीच द मून? तो यहाँ पे 1969 हो जाएगा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? द स्टेट विद द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इज द किसके? गोवा की हो जाएगी। सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द सर्वशिक्षा अभियान स्टार्टेड? तो यहाँ पे 2001 से लेकर 2 के बीच में शुरू किया गया था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज द इंदिरा कॉल विच इज द करेंटली इन द लद्दाख, यानी ये जो है वर्तमान में कहाँ पे? लद्दाख में पड़ेगा। झीलों का देश कहते हैं? विच इज द कॉल्ड द लैंड ऑफ द लेक्स, किसको कहेंगे? फिनलैंड को। पेरिस किस नदी के तट पर है? पेरिस इज ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर, किसके? सीन नदी के किनारे पेरिस जो है फ्रांस। सिलिकॉन वैली किस देश में है? व्हाट कंट्री इज द सिलिकॉन वैली इन, तो कहाँ पहुँचेगा? अमेरिका में हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका और किस देश के मध्य बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 खेली गई है? रिसेंटली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 हैज बीन प्लेड बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया एंड विच कंट्री, किसके? ऑस्ट्रेलिया और भारत के, जिसको भारत ने 2-1 से जीता है। दिल्ली को कोलकाता के स्थान पर राजधानी कब बनाया गया? व्हेन वाज द दिल्ली मेड द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ कोलकाता, तो यहाँ पे 1911 में बना, 1911 में। उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद द आर्टिकल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 124। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश है? द कंट्री विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ द इलेक्टोरेट, कौन है? भारत है। नेपाल को कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल से कौन कौन से? विच स्टेट हैज द शेयर बॉर्डर विद द नेपाल, तो कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। निम्न में से किस रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर द मर्ज विद द इंडिया बाई रिफर्डम, किसको? जूनागढ़ को किया गया था। व्यवगत सिद्धांत या राज्य विलय नीति को किसने समाप्त किया था? हु एबोलिस्ट द लैप्स डॉक्ट्रिन और स्टेट मर्जर पॉलिसी, इसको किसने किया था? यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में इसको समाप्त कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज ऑन द अरिवल ऑफ द क्वीन विक्टोरिया, तो यहाँ पे क्या होना? 1877। 1857 की क्रांति के उपरांत भारतीय सैनिकों व अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात बंगाल में रखा गया। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द 1857 द रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड इंग्लिश सोल्जर्स वॉज केप्ट इन द बंगाल, कितना रखा गया? 2-1 का रेशियो यहाँ पे रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है? द सुप्रीम कोर्ट हैज द कॉन्स्टिट्यूशन आ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमीशन अंडर व्हिच चेयरमैनशिप अ स्टॉप स्टेबल बर्निंग, तो यहाँ पे जस्टिन मदन बी लोकुर। प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, तो कहाँ पे? 24 अक्टूबर, आपका इसी दिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट रिपोर्ट में भारत का स्थान है? इंडिया रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड गूगल इंटरनेट रिपोर्ट, तो कहाँ पे? 131वीं पोजीशन है। हॉकी विश्व कप 2018 में भारत के कप्तान थे? वॉज द कैप्टन ऑफ इंडिया इज द हॉकी वर्ल्ड कप 2018, तो कौन थे? मनप्रीत सिंह। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को। वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज द कॉल्ड द वृद्ध गंगा, किसको? गोदावरी नदी को। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, कहाँ पे? महानदी पे। भाई फटाफट सभी लाइक कर दें एक बार, जितने लोग देख रहे हैं सभी लाइक करें, ठीक है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द पंचमणि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, कहाँ पे? मध्य प्रदेश। पहाड़ी की मल्लिका के उपनाम से किसे जाना जाता है? हु इज द नोन बाय द निक नेम ऑफ द मल्लिका ऑफ हिल, तो किसको कहा जाता है? नेत्रहट को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? व्हेन वाज द स्वच्छ भारत मिशन स्टार्टेड, तो यहाँ पे 2 अक्टूबर 2014 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मनुष्य में होने वाला आनुवांशिक रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग अ जेनेटिक डिजीज इन ह्यूमन, कौन है? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। सबसे बड़ा द्वीप है? इज द लार्जेस्ट आइसलैंड, तो कौन है? ग्रीनलैंड। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? व्हाट इज द इन्वर्टेड फ्लैग सिंबोलिजी, किसका है? संकट का, प्रॉब्लम का। कांचीपुरम का मंदिर है? वेयर इज द टेम्पल ऑफ द कांचीपुरम, कहाँ पे? तमिलनाडु में। शोभा नायडू किससे संबंधित? इनका हाल ही में निधन हो गया। शोभा नायडू इज द रिलेटेड टू सी फर्स्ट अवेरिसेंडित, किसे? कुचिपुड़ी से। अकीतम अच्युतन नवींद्र का निधन हो गया, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? अकीतम अच्युतन नबुंदरी फर्स्ट अवे इन विच ईयर वॉज द गिविन द ज्ञानपीठ अवार्ड, तो इनको कब दिया था? 2019 में, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि 2019 में रिसेंट में दिया गया था, ठीक है। पंडित जसराज का निधन हो, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? पंडित जसराज फर्स्ट अवे ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, किसी शास्त्रीय संगीत से क्लासिकल म्यूजिक।
रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई, व्हेन डिड द संडे हॉलीडे स्टार्ट, यहाँ पे 1843 हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, हु वाज द एडिटर ऑफ द अमृत बाजार पत्रिका, कौन थे, शिशिर कुमार घोष। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया, हु गिव द स्लोगन ऑफ द पूर्ण स्वराज, किसने दिया था, जेएल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको दिया गया था। प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, इनकी भी डेथ हो गई, तो यहाँ पे फेमस डांसर सितारा देवी रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस, किसे हैं, कथक से। तमाशा व लावनी किस राज्य के नृत्य हैं, तमाशा एंड लावनी और डांसेस ऑफ द विच स्टेट, किसके, महाराष्ट्र के। मैसूर किस नदी के तट पर स्थित है, मैसूर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर, किसके, कावेरी। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, उड़ीसा। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फूड चेन, कितने, दो प्रकार की। यदि राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को कितने दिन में ना लौटाया जाए पर उसे दोनों सदनों से पारित समझा जाता है, फिर भी मतलब राज्यसभा का नहीं लौटाएगी तो भी। इफ द मनी विल नॉट रिटर्न बाय द राज्यसभा इन हाउ मेनी डेज इट डिमांड टू बी हैव बीन द फर्स्ट बाय द बोथ द हाउसेस, तो यहाँ पे 14 दिन के भीतर जो अगर नहीं लौटाती है तो भी पास समझा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है, व्हेन इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया, तो यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई, व्हेन वाज द स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्टेड, यहाँ पे 15 अगस्त 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। 1 रुपए के मूल्य वर्ग पर नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, हु सिग्नेचर इज ऑन द डिमिनिशन नोट ऑफ द 1 रुपी, किसका था, वित्त सचिव का। भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है, हु इश्यूज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन करता है, कृषि लागत व मूल्य आयोग, कौन करता है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइसेस कमीशन, ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी इज द मेंशनड इन द विच पार्ट, कहाँ पे किया गया इसका, भाग 4 में पार्ट 4 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज द नेशनल स्टैटिक्स डे सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है, 21 जून को। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, व्हेयर इज द अकबर स्टंप लोकेटेड, कहाँ पे, सिकंदरा आगरा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, हु बिल्ट द कोणार्क सन टेम्पल, किसने बनाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम, है कहाँ पे, उड़ीसा में। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, कहाँ पे, भारत में। नई शिक्षा नीति 2020 कब से लागू की गई, व्हेन वाज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे 29 जुलाई 2020 से इसको शुरू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, जिसका आप वर्तमान में क्या नाम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहाँ पे, गुजरात में। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संस्था को दिया गया, द विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर द 2020, किसको दिया गया, विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कार्यक्रम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका विभाजन गर्म और नरम दल में हुआ था, गर्म और नरम दल में, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू द हॉट एंड द सॉफ्ट पार्टी, तो यहाँ पे सूरत में हुआ था। राजबिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, 1907 में हुआ था। कांग्रेस उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा, यहाँ पे सॉरी, कागज उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज द फेमस फॉर फेबर इंडस्ट्री, तो कौन है, सहारनपुर। अजिंक्य रहाणे किस खेल से संबंधित, अजिंक्य रहाणे इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, किससे, क्रिकेट से। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था, अभिनव बिंद्रा शूटिंग ऑन द गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक्स, इसमें 2008 में। कोलेरू झील किस राज्य में है, कोलेरू लेक इस विच स्टेट, तो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। भारत के सबसे छोटे राजमार्ग NH-47 की लंबाई, द लेंथ ऑफ द इंडिया शॉर्टेस्ट हाईवे NH-47 कितनी है, 14 किलोमीटर की, यहाँ पे 14 किलोमीटर नहीं रहेगा भाई, 6 किलोमीटर रहेगा, ध्यान रखिएगा 6 किलोमीटर रहेगा, ठीक है, 6 किलोमीटर केवल है, 14 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर है। बंदरगाहों को जोड़ने वाली परियोजना कौन सी है, व्हाट इज द पोर्ट लिंकिंग प्रोजेक्ट सागरमाला परियोजना, कितनी है, सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, मिशन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिशन इंडिया, तो कौन है, APJ अब्दुल कलाम। इंडियाज 2020 पुस्तक के लेखक कौन है, द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 2020, तो ये भी आपका APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखी गई है। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन, द ऑथर ऑफ द बुक 281 एंड बियॉन्ड, कौन लिखा, BBS लक्ष्मण ने। अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा रहेगा, क्योंकि 12 अगस्त है तो युवा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, युवा दिवस। इंटरनेशनल यूथ डे, यहाँ पे इंटरनेशनल यूथ कर लीजिएगा इसको, ठीक है, यूथ डे सेलिब्रेट, तो यहाँ पे 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रीय संविधान या विधि दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन और लॉस डे सेलिब्रेट कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से वर्णित हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द विच कंट्री? तो किससे? आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए नया चुनाव कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए? विद इन व्हाट टाइम शुड अ न्यू इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट बी हेल्ड? यहाँ पे 6 मंथ के अंदर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड द महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन? कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। अंतिम कहाँ दिए थे? कुशीनगर में। डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर? कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा। पंचायत बांध परियोजना किस नदी पर? ऑन विच रिवर इज द पंचायत डैम प्रोजेक्ट? कहाँ पे? दमोदर नदी। तो भाई लाइक फटाफट सभी करें, क्योंकि इसमें जो काफ़ी मेहनत लगा है आपके, जो है 20 घंटे लगभग जो है इसको लग गए थे बनाने में, ठीक है। तो काफ़ी मैं कम से कम जितनी मेहनत की गई कम से कम उतना तो भाई आप लोग उसको बेकार ना जाने दें, ठीक है। तो इसको जो है आप लाइक करें, इसको शेयर भी करें, मैक्सिमम लोग पास पहुँचाएं इसको। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट तरफ, कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा किसलिए नेशनल पार्क इज इन दी विच स्टेट? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति द लार्जेस्ट ट्राइब इंडिया इन लिविंग इन इंडिया तो कौन है? भील है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? इन हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन ऑल द नोट्स इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश? देखिए भाई जितने भी नोट जारी किए तो उसमें जो है कितनी भाषाएं होती हैं हिंदी और इंग्लिश को मिला के? 17। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? कौन नहीं? लाभांश का, डिविडेंट कर। एक इसका हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर का। GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल? कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट है, न्यूनतम लागत मूल्य की संस्तुति कृषि लागत व मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में कितनी बार की जाती है? द मिनिमम कॉस्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइसेस हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर? कितना बार करना चाहिए? 2 बार। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है, द ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल इज कौन है? कार्ल मार्क्स। किस सुधार अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था? अंडर विच रिफॉर्म एक्ट वुमेन वर गिवन द राइट टू द वोट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो कौन था? आंध्र प्रदेश 1856 में। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेंशन? तो किसमें किया गया? अनुच्छेद 368 में। निम्नलिखित में से किसी सदन का सदस्य नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस? तो कौन था? उपराष्ट्रपति। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किस स्टेडियम में किया गया था? इन विच स्टेडियम वॉज द नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हेल्ड? तो कहाँ पर किया गया था? मोटेरा स्टेडियम में। बिस्मिल्ला खान किस वाद्यंत्र से संबंधित है? बिस्मिल्ला खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? किससे? सहनाई से। बंगबंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? हु इज द नोन बाय द निकनेम बंगबंधु? तो कौन? शेख मुजिब्बुर रहमान। आईने अकबरी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द आईने अकबरी? कौन है? अबुल फजल। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ है? वेरी थी गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में। चकबंदी योजना कब शुरू की गई? वेन वॉज द कंसोलिडेशन स्कीम स्टार्टेड? इसको 1954 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चलास, यहाँ पे देखिए चलास नामक घास बहुतायत पाई जाती है? इन विच एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश ग्रास कॉल्ड चलास इज फाउंडेड एविडेंस? तो यहाँ पे जो है इसके जो है बहुत अधिक कहाँ पे? बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड रीजन में। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे, देश में औसत जोत आकार कितना हेक्टेयर है? व्हाट इज द एवरेज होल्डिंग साइज ए द कंट्री ऑफ हेक्टेयर? यहाँ पे कितना? 1.8 हेक्टेयर हो जाएगा। जोत आकार से मतलब जो प्लॉविंग की जाती है उसकी एवरेज की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्य कृषि नीति कब लागू की गई थी? व्हेन वाज द प्रेजेंट स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश इंप्लीमेंटेड? कब की गई थी? 2013 में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से बीरबल संबंधित थे? टू विच प्लेस ऑफ द उत्तर प्रदेश वॉज बीरबल रिलेटेड? तो कहाँ से? कालपी से। महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द ब्रिटिश आर्मी अगेंस्ट महारानी लक्ष्मीबाई? तो कौन किया था? जनरल ह्यूरोज। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? हॉको मैजिशियन मेजर ध्यानचंद वाज बोर्न इन द विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश? तो कौन किया था? प्रयागराज में। इनका जन्म जो प्रयागराज में हुआ था। भारतीय जीवन बीमा का मुख्यालय कहाँ? वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया? कहाँ पर? मुंबई में।
मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी, 8 हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु 1924 ईस्वी में संविधान सभा का विचार किसने दिया था, हु गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द 1924 AD द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया, कौन, स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा में पहली बार भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इलेक्टेड टू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कहाँ से, बंगाल से। बंगाल जब आपका विभाजन होकर अलग चला गया तो आपका क्या गया था, बाद में जो है उनको जो है मुंबई से फिर निर्वाचित किया गया। आँख का रंग से तात्पर्य किसके रंग से है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आई कलर, तो यहाँ पे आयरिस से है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, विच फंडामेंटल राइट्स गेट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड अंडर द आर्टिकल 315 ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो यहाँ पे जो आपके बोलने की स्वतंत्रता है सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। अनुच्छेद 19 अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है, वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फंड ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कहाँ पे, रोम में, इटली में। कुल महाद्वीपों की संख्या द टोटल नंबर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स कितने, 7 हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, व्हाट हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, कौन थी, जंग कोतबाई, बचेंद्री पाल, इंडिया में। विश्व की छत किसे कहा जाता है, व्हाट इज द कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर का पठार या तिब्बत के पठार को जो है विश्व की छत हम कहते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन से संबंधित, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिकल डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, तो यहाँ पे कौन है, अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40। उत्तर प्रदेश में कितने एग्रो, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इकोलॉजिकल क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, हाउ मेनी एग्रो, एग्री नहीं, ठीक है, अच्छा एग्री रहेगा भाई, सही है सही है, ठीक है, एग्री इकोलॉजिकल की बात कर रहा है, ठीक है, इकोलॉजिकल आपको ध्यान रखें, एग्रो जो है इकोलॉजिकल क्षेत्र की निर्धारित किया गया, हाउ मेनी एग्रो एग्री इकोलॉजिकल जोन्स हैव बीन डिटरमाइंड इन उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, एग्रो या एग्री आपका दोनों चीज़ें जो है सेम है, परेशान नहीं होना उसको लेकर, ठीक है, 9 इस समय। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, वेरी दी सत्यमेव जयते, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका रिपीट होता है मुंदू को उपनिषद से। निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से, विथ विच आर्टिकल इज द इलेक्शन कमीशन इज रिलेटेड, तो किसे, अनुच्छेद 324 से। पीतल के बर्तन के लिए शहर है, सिटी ऑफ द ब्रश वार्स, कौन है, मुरादाबाद को जो पीतल नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के उपनाम से जाना जाता है, तो भाई तेल नदी कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज तेल रिवर, तो किसको कहा जाता है, यहाँ पे नाइजर ऑयल रिवर कहा जाता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, हु वाज़ द अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो किसको किया गया था, वीएन राव को, जिनका पूरा नाम क्या था, विनेगल नरसिंह राव। मूल संविधान मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, मूल संविधान जो है उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या पूछ रहा है, व्हाट वाज़ द नंबर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी थी, 7 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ की गई थी, वेयर वाज़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन द 1885, तो कहाँ पर की गई थी, बम्बई में। ग्राम पंचायत चुनाव सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्शन मेंबर, कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। मधुशाला किसकी रचना है, हुज क्रिएशन इज द टेवरेन, यहाँ पे देखिए मधुशाला ही लिखना है आपको, इंग्लिश में भी मधुशाला ही लिखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन के। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, हु बिल्ट द जामा मस्जिद ऑफ आगरा, किसने करवाया था, जहां आरा ने। बिंबिसार का राजवैद कौन था, हु वाज द रॉयल फिजिशियन ऑफ बिंबिसार, तो कौन था, जीवक। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण निर्माण कहाँ हुआ था, वेयर डिड द गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस, कहाँ पे हुआ था, कुशीनारा में। कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, विच अवार्ड इज द गिवन ऑफ द स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो कौन, बोरलॉग पुरस्कार। झंडा दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज द फ्लैग डे सेलिब्रेटेड, तो यहाँ पे कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को। माई प्रेसिडेंशियल ईयर के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द माई प्रेसिडेंशियल ईयर, तो कौन है, आर वेंकटरमन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, हु कॉल्ड द महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित, हड़प्पा इज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर, कौन है, रावी नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से किस प्रकार के कृषि अवशेष मिले हैं, एग्रीकल्चर रिड्यूस विच क्रॉप हैव बीन फाउंडेड फ्रॉम द कोल्डी हवा इन द उत्तर प्रदेश, कौन से, चावल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता निवासियों ने नगरों तथा घरों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, व्हाट वाज द मेथड अडॉप्टेड बाय द इनहैबिटेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर द सिटीज एंड हाउसेज, कौन सी, ग्रिड पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम को अपनाया था।
पूना पैक्ट कब हुआ था, विन वाज दी पूना पैक्ट, यहाँ पे 1932 हो जाएगा। संगीत की प्राचीनतम पुस्तक किसे माना जाता है, विच इज दी कंसिडर्ड दी ओल्डेस्ट बुक ऑफ द म्यूजिक, किसको कहा जाता है, सामवेद को। निम्न में से बिरजू महाराज किसे संबंधित, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिरजू महाराज रिलेटेड, किसे, शास्त्रीय संगीत से। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो कौन थे, विंस्टन चर्चिल। निम्न में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूम जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट ऑन द इट्स एक्सिस इन द शॉर्टेस्ट टाइम, तो कौन घूमता है, बृहस्पति। ध्यान के कौन, बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर यहाँ पे घूम जाता है। डायमंड रिंग की घटना संबंधित, द डायमंड रिंग इंसिडेंट इज द रिलेटेड टू, किसे, पूर्ण सूर्य ग्रहण से, टोटल सोलर इक्लिप्स से। नेक्स्ट की बात करेंगे, भूपटल पर निचले और समतल भाग को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द लोअर एंड द फ्लैट पार्ट ऑफ द क्रस्ट कार्ट, इसको क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। ईंधन जलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बर्न फ्यूल, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन। नील नदी का उद्गम स्थल है, द ओरिजिन ऑफ द नील रिवर विक्टोरिया झील, विश्व की लार्जेस्ट रिवर, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, विच कैनाल कनेक्टेड द रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी, कौन है, स्वेज नहर। K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द K2 एंड द गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पे 8611 हो जाएगा, यानी 8611 मीटर। सिकंदरा और हैदराबाद के बीच कौन सी झील है, विच लेक, लेक इज द बिटवीन सिकंदराबाद एंड हैदराबाद, कौन हो जाएगा, हुसैन सागर झील। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया इज फाउंडेड इन द एलुवियल सॉइल, कितने होते, 40%। एकमात्र निर्विरोध चुने वाले राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट टू इलेक्टेड अन अपोज्ड, नीलम संजीव रेड्डी, यानी उनके अपोजिट में कोई नहीं था। इनमें से किस पशु को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, विच ऑफ दीच एनिमल वर दी अडोप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो किसको अपनाया गया था, हाथी को, क्योंकि हमारा जो है संविधान भी ऐसे ही विशाल है। वायुसेना में सबसे उच्च पद है, द हाइएस्ट रैंक में एयरफोर्स, कौन है, एयर चीफ मार्शल की। महात्मा गांधी को नंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर कहा, महात्मा गांधी हैज बीन कॉल्ड द नेग्ड फकीर और द हाफ नेग्ड फकीर, 10 जुलाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, ठीक है, विंस्टन चर्चिल रहेगा, ध्यान रखिएगा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा यहाँ पे कहा गया था, विंस्टन चर्चिल, ध्यान रखिएगा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो है महात्मा गांधी को नंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर कहा गया था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया, कौन है, लाला लाजपत राय। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे, हु वाज द एडिटर ऑफ द हरिजन पत्रिका, तो कौन थे यहाँ पे भाई, हरिजन पत्रिका के महात्मा गांधी हो जाएंगे, देखिए टाइप ही नहीं हो पाया है, ठीक है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, जलमंडल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से एक और महासागर से घिरा होता है उसे कहते हैं, द लार्ज पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर विच इज सराउंडेड बाई द वाटर थ्री साइड्स एंड द ओशियन वन साइड, इसको क्या कहेंगे, समुद्र कहेंगे, ठीक है, एक साइड महासागर से घिरा रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती, अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस विच स्टेट एंड शेड्यूल ट्राइब रेजिस्ट, यहाँ पे हरियाणा में जो है कोई भी आपकी अनुसूचित जनजाति नहीं रहती है। निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, हु इमंग द फॉलोइंग डिफाइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द फाइट ऑफ द अगेंस्ट पॉवर्टी, तो किसने, महबूल उल हक ने कहा था। सर्वप्रथम गांधी जी के चित्र वाले 500 रुपये की नोट कब आई थी, विन वॉज द फर्स्ट 500 नोटेड विद गांधी जी पिक्चर इंट्रोड्यूस, कब आए थे, 1987 में। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI, कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट वन, मेक इन इंडिया का प्रतीक है, मेक इन इंडिया सिंबल, कौन है, शेर है। निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है, डिफिनेशन डिफेक्शन इन द मेंशन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स, यहाँ पे कितना है, 10th में है। राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेता है, बिफोर होम डज द गवर्नर टेक ओथ, किसके संबंधित, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने जो है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। वित्त विधेयक धन विधेयक या नहीं, यह है या नहीं, यह प्रमाणित करने का अधिकार किसको है, हु हैज द राइट टू द प्रूव द फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल, तो ये जो है यहाँ पे किसको, स्पीकर को है, ठीक है या नहीं है, इसका जो है अधिकार किसको है, स्पीकर को दिया गया, लोकसभा अध्यक्ष को। 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम से। प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द विच हाउस, तो यहाँ पे किसका होता है, निम्न सदन का होता है, लोकसभा का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हुए अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, कौन करता है, राष्ट्रपति। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के कौन से शहर में आयोजित धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया था, इन विच सिटी ऑफ द अमेरिका डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड, कहाँ पे, शिकागो में।
महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? वेयर डिड दी महात्मा गांधी स्टार्ट द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया? तो कहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, 1917 में। जहांगीर की मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द जहांगीर स्टंप? तो किसने बनवाया था? जो नूर जहां के द्वारा बनवाया गया था। अकबर के दरबार का राजकवि कौन था? हु वाज द रॉयल पोएट ऑफ द अकबर कोर्ट? तो कौन था? फैजी था। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द पाल डायनेस्टी? तो कौन था? गोपाल। यहाँ पर देखिए आपको कहीं कहीं फैजी की जगह जो है अमीर खुसरो, लेकिन आपका फैजी जो है था ठीक है उसको दिया गया, ध्यान रखिएगा इसको। पालवंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द फाला डायनेस्टी? तो इसने गोपाल ने की थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ? वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम? तो इसका है नैरोबी में। हाल ही में किस राज्य में नक्सलियों का हमला हुआ था? इन विच स्टेट वॉज द नक्सलाइट अटैक रिसेंटली? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपने देखा था वहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान मारे गए तो उन्हीं की बात की जा रही। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया? रिसेंटली नरेंद्र मोदी हैव रिलीज दी हाउ मेनी बुक्स रिलेटेड टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो कितनी की? 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, ध्यान रखिएगा इसको, कि लेखक कौन है? हु इज दी ऑथर ऑफ दी बुक मोदी इंडिया कॉलिंग 2020 रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? कौन है? विजय जौली। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज दी सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च? यहाँ पे 22 जनवरी 2015 हो जाएगा। सर्वाधिक आबादी वाला देश है इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री? कौन है? चाइना हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर? 21 जून। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है? इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? तो कौन है? भारत रत्न हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए सात सूत्री मिशन के लिए उद्देश्य के लिए जानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नोन फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7 पॉइंट्स मिशन फॉर द स्ट्रेथिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स? यहाँ पे कौन है? इंद्रधनुष है। भारत के राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड टू बी द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो संविधान में कोई भी इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया। आपका जो है चाहे जितनी बार इंडिया में बन सकते हैं, भाई एक बार बने, दो बार, 10 बार, कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे अमेरिका में है कि वहाँ पे 2 ही बार आप केवल बन सकते हैं। देश में उपराष्ट्रपति पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द विच कंट्री? तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द नेशनल एंथम फर्स्ट सॉन्ग? तो कलकत्ता, 1911 में। लघु लोकसभा के नाम से किस समिति को जाना जाता है? विच कमिटी इज नोन एज द स्मॉल लोकसभा? को उसको लोक लेखा समिति को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बात की जा रही। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था? इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मून वाज द चंद्रयान फर्स्ट? आपका जो है किसको 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर को खुली हैं, उनके बीच किसका चित्र है? हुज पिक्चर इज द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड नेशन बिटवीन द टू ओलिव्ड कर्व ब्रांच द ओपन अपवर्ड्स? यहाँ पे किसका है? वर्ल्ड जो चित्र बना है विश्व का है, मानचित्र है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया था? विद द नेशनल टूरिज्म डे, तो यहाँ पे 25 जनवरी को, जिस दिन आपका जो है निर्वाचन दिवस भी होता है। मतदाता दिवस तो ठीक है, ध्यान रखें मतदाता दिवस। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? वेर दी 2.5 डे हंट लोकेटेड? कहाँ पे? अजमेर हो जाएगा। नेक्स्ट, यामा किसकी पुस्तक है? हुज बुक इज द यामा? महादेवी वर्मा की, ध्यान रखिएगा। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। नए राज्यों के निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं व नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यहाँ पे देखिए आपका द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड द चेंज द एरियाज बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ द एक्साइटिंग कैन बी डन बाई द पार्लियामेंट लॉ इट्स दे मेंशन इन द विच आर्टिकल? यहाँ पे अनुच्छेद 3 में कहा गया, ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक बाकी आपका सही है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद जो वायसराय बना दिया गया। भारत की सबसे पहली चकबंदी कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट कंसोलिडेशन ऑफ द 1920 में हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द ऑपरेशन फ्लड स्टार्टेड बाई द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? यहाँ पे 1970 में किया गया था। देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? व्हेन वाज द कंट्रीज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस? 1948 में। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? तो इसमें क्या हो जाएगा? सेवा कर हो जाएगा, सर्विस टैक्स। निम्न में से कौन 1894 में यानी 1894 में पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा प्रबंधित बैंक था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बैंक होली मैनेज बाय द इंडियंस इन 1894? कौन था? PNB था, पंजाब नेशनल बैंक की बात की जा रही है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट चंद्रप्रभा सेंचुरी लोकेटेड? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट,
नंदी हिल्स पर्वतीय नगर किस राज्य में है? नंदी हिल्स हिल स्टेट हिल टाउन इन विच स्टेट, कहाँ पे? कर्नाटक में। राणा सागर परियोजना किस नदी पर? ऑन विच रिवर इज द राणा सागर प्रोजेक्ट, कहाँ पे? चंबल नदी। संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान किस देश से लिया गया? फ्रॉम विच कंट्री इज द प्रोविजन ऑफ द सुप्रेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेकन, तो कहाँ पे है? अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 48th चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एमएन रमना बने हैं। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित? दीपा मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, कौन है? पैरा एथलीट से। विटामिन के आविष्कारक है, द इन्वेंटर ऑफ द विटामिन, तो कौन है? फंक। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द आर्य महिला समाज, तो पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी। निम्न में से किस पुस्तक में नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचारों का उल्लेख है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मेंशन्ड द एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन द इंडिगो कल्टीवेटर्स, यहाँ पे नील दर्पण। आरबीआई ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना गया? विच एक्टर हैज बीन द सिलेक्टेड टू आरबीआई कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन, तो किसको चुना गया? अमिताभ बच्चन को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, कौन था? बृहद्रथ था। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ पंचतंत्र, कौन थे? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो यहाँ पे 69th, ध्यान रखिएगा। सांची का स्तूप किस वंश में निर्मित हुआ था? इन विच डायनेस्टी वाज द सांची स्तूप बिल्ट, कौन? मौर्य डायनेस्टी में अशोक के द्वारा बनवाया गया। महाराष्ट्र में गणपति पर्व मनाने की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड दिस सेलिब्रेशन गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। कौटिल्य किस स्थान से संबंधित है? कौटिल्य बिलोंग्स टू विच प्लेस, तो यहाँ पे तक्षशिला हो जाएगा। निम्न में से किस शासक का मकबरा भारत में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स टर्म इज नॉट इंडिया, तो कौन है? जहांगीर। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर, देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? द फेमस कोणार्क टेम्पल इज रिलेटेड टू विच, डेट किससे हो जाएगा? सूर्य से हो जाएगा, जो कि आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भारत में न्यूनतम आय वाला राज्य द स्टेट द लोवेस्ट इनकम इन इंडिया, तो आपका बिहार, जो मैक्सिमम आपने गोवा देखा था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? वेन वॉज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म, तो यहाँ पे 1950, और इसको जो आपका कब समाप्त किया गया? 1915 में इसको समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रतीक था? द रेवोल्यूशन ऑफ द 1857 वाज सिंबल ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमल और रोटी, लोटस एंड ब्रीड। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? वेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट टेक प्लेस, यहाँ पे 1905 में हो जाएगा। गीता रहस्य के रचयिता द ऑथर ऑफ द गीता रहस्य, कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जो गीता रहस्य के रचयिता हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, अरुविले आश्रम कहाँ? वेर द अरुविले आश्रम, कहाँ पे? पांडिचेरी में। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित? ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज रिलेटेड टू, तो किससे? हड्डी से। मैराथन दौड़ कितनी दूरी की होती है? हाउ लॉन्ग इज द मैराथन रेस, कितनी होती है? 42.195 किमी। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अभियान का नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैंपेन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द कारगिल वॉर, तो कहता कारगिल विजय। मीनाक्षी मंदिर कहाँ? वेर द मीनाक्षी टेम्पल, तमिलनाडु में होगा। निम्न में से मणिपुर किस देश के साथ सीमा बनाता है? मणिपुर शेयर्स अ बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कहाँ पे? बांग्लादेश। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज द बिल्ट बाय, किसने? कृष्णदेवराय। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? वेन वाज द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी एस्टैब्लिश, यहाँ पे 1985 में। ककोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द ककोरी इंसिडेंट, किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? विथ विच क्लासिकल डांस इज दी झावेरी सिस्टर रिलेटेड, तो किसे? मणिपुर से। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तिरुपति टेम्पल इज इन विच स्टेट, कहाँ पे? कर्नाटका में। भारत भवन कहाँ है? इंडिया। वेयर इज द बिल्डिंग, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? इंडिया बिल्डिंग जो है मध्य प्रदेश में है, भारत भवन बिल्डिंग। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, कब? 11 जुलाई। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? वेन वाज द नोबेल प्राइज गिवन फॉर फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे 1901 में हो जाएगा। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक है? द ओरिजिनेटर ऑफ द अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो कौन हो जाएगा? टोडरमल। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम प्रेसिडेंसी थी? द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज द सूरत, यहाँ पे कब किया गया था? 1608 में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना सीखा था? विच मेटल डिड मैन फर्स्ट लर्न टू यूज? कॉपर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है? द मेन वॉचडॉग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, तो कौन हो जाएगा? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, विश्व व्यापार संगठन की बात की जा रही है। किस देश का जीवन स्तर प्रमुखता किससे जाना जाता है? किसी देश का द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द कंट्री इज प्राइमरी नोन बाई, तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जितनी होगी उसी के हिसाब से जाना जाता है, यानी
पर कैपिटा नेशनल इनकम, भारत के किस राज्य में न्यूनतम मृत्यु दर है? विच स्टेट हैज इंडिया हैज द लोवेस्ट डेथ रेट? कौन है? केरल। कपास उत्पादन में अग्रणी देश है? द लीडिंग कंट्री इन द कॉटन प्रोड्यूसिंग? कौन है? इंडिया। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? हाउ मेनी टाइगर्स स्कीम्स आर वर्किंग? तो यहाँ पे 23rd हो जाएगा। वायु में सबसे अधिक गैस, मोस्ट ऑफ द गैसेज इन एयर, तो कौन है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। निम्न में से उत्तराखंड किस देश के साथ सीमा साझा करता है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज उत्तराखंड शेयर अ बॉर्डर? किसके साथ? चाइना के साथ। भारत में श्वेत क्रांति का प्रारंभिक चरण कब शुरू हुआ था? विनिर्द इनिशियल फेज ऑफ द रेवोल्यूशन स्टेट स्टार्ट इन इंडिया, यहाँ पे 2008 हो जाएगा। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है? एशिया बिकम्स द लाइट इज कॉल्ड, किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। निम्न में से एक प्राकृतिक बोलो के विच ऑफ द फॉलोइंग द नेचुरल पॉलीमर, कौन है? रबड़ है। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? हुक कोड दी कुतुब मीनार कंप्लीटेड, किसने? उल्तुतमिश ने। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? व्हाट कलर इज इन द मिडल ऑफ द रेनबो, कैसा होता है? हरा जो यहाँ पे उसका मिड में होता है, किसके? इंद्रधनुष के। नेक्स्ट है, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है? विच गैस इज द फील इन द फुटबॉल, कौन होती है? हाइड्रोजन गैस। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन है? द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेशनल कैलेंडर, तो यहाँ पे चैत्र हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जो है पंचांग की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शक संवत की बात की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वेन इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 27 सितंबर। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता देता है? व्हाट टाइप ऑफ द सिटीजनशिप डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव, कैसी देता है भाई? यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम है? द नेम ऑफ द ओनली हिंदू नेशन इन द वर्ल्ड, कौन है? नेपाल है। मानव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस सेंचुरी इज इन द स्टेट, कौन है? असम में। आर्यभट्ट का इसके शासनकाल में रहते थे? आर्यभट्ट लिव्ड ड्यूरिंग हुज रीजन, तो यहाँ पे चंद्रगुप्ता सेकंड हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दिया था? हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग, किसने दिया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा। शारदा एक्ट किससे संबंधित? शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, किसे? बाल विवाह से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? ओरिजिन ऑफ द नर्मदा रिवर, तो कहाँ है? अमरकंटक। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? विथ विच कंट्री डज द इंडिया शेयर द शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा, 106 किलोमीटर। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? वेर इज द नेशनल जूलॉजिकल पार्क, कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेर इज द राजीव गांधी नेशनल पार्क, कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को कितने समय में लोकसभा को लौटा देना चाहिए? इन व्हाट टाइम दिस शुड बी द मोनी विल बी द रिटर्न टू द लोकसभा बाय द राज्यसभा, कितने? 14 दिनों के अंतर में लौटा देना चाहिए। इनमें से कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? विच ऑफ दीज प्लैनेट्स इमिट्स ग्रीन लाइट, कौन करता है? वरुण करता है। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हु फर्स्ट यूज टू द वर्ल्ड ज्योग्राफी, किसने किया था? एरिस्टोस्थनीज ने। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? द रीजन फॉर द ओरिजन ऑफ द टिडल रिफ्लेक्स इन द ओरिजन इज, तो कौन है? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं? द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक एंड द कैंसर, ट्रॉपिक कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? उसे कटिबंध कहेंगे, ट्रॉपिक्स कहेंगे। विश्व के सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? हु बिकम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो कौन थे? मोरारजी देसाई, 83 वर्ष की उम्र में बने थे, ठीक है, मोरारजी देसाई। एक वर्ष में संसद की कितनी, यहाँ पे सांसद नहीं सांसद रहेगा, ठीक है, पार्लियामेंट की बात की जा रही है, पार्लियामेंट यहाँ पे रहेगा, पार्लियामेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एम बी दी मोनिटरी इन दी वन ईयर, तो यहाँ पे कम से कम 2 बार तो हो जानी चाहिए। पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा किस राज्य में या केंद्र शासित राज्य में? इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन दी होली हिंदू पिलग्राम साइट अमरनाथ केव, तो कहाँ पे भाई? जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिए कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। कर्नाटक और तमिलनाडु किस नदी विवाद से जुड़े हैं? कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और रिलेटेड टू विच रिवर डिस्प्यूट, किससे? कावेरी नदी विवाद से जुड़े हैं। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रेजेंटली लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, कौन हो जाएगा? NH44 हो जाएगा। निम्न में से किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी अशोक, किसको कहा जाता है? यहाँ पे कनिष्क को कहा जाता है, द्वितीय नहीं, द्वितीय रहेगा, ठीक है, सेकेंड अशोक का कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून के 52वें संविधान संशोधन को कब पारित किया गया था? विन वॉज दिस 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन पासड, देखो इसको 1985 में। रिलीजन एंड कल्चर किसकी पुस्तक है? हुज बुक इज रिलीजन एंड कल्चर, किसके? चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य की बात की जा रही है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसके? हुज बुक इज माई म्यूजिक माई लाइफ, तो पंडित रविशंकर, इनकी डेथ हो गई, तो ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय संगीत से रिलेट करते हैं, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ द कंप्लीट नॉलेज ऑफ जैनिज्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्ञानी यानी नॉलेज वेल कह सकते हैं।
संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किसे? फुटबॉल से। ध्यान रखिएगा, स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वराज मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अनाज था। द ग्रेन यूज बाई मैन, तो यहाँ पे सबसे पहले जो गेहूं का यूज किया था मनुष्य ने। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो कौन था? महान्यायवादी। चेक की वैधता होती, चेक की जो वैलिडिटी यानी जो आपके बैंक चेक होते हैं उनकी 3 मंथ होती है। दीनदयाल आदर्श योजना किसे संबंधित है? दीनदयाल आदर्श योजना इज रिलेटेड टू, किसे? डाक टिकट्स, यहाँ पे पोस्टेड स्टाम्प कलेक्शन से। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? हु इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कौन करता है? श्रम ब्यूरो के द्वारा किया जाता है, लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज कहाँ पे? तो मैनहट्टन द्वीप यानी न्यूयॉर्क में है, यानी अमेरिका में आपका इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर बनेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में? हड़प्पा साइट धोलावीरा इज इन विच स्टेट, कहाँ पे? गुजरात में है। जादू टोना से संबंधित वेद है, वेद रिलेटेड टू विद क्रॉफ्ट इज, कौन है? अर्थवेद, अथर्ववेद है। ध्यान रखिएगा, संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? हुई दी कॉल्ड दी कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया, तो यहाँ पे 1995 हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं, द ऑथर ऑफ द अनहैप्पी इंडिया, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड, तो यहाँ पे 1972 हो जाएगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा किन दो देशों में को अलग करती है? विच टू कंट्रीज सेपरेटेड लाइन एक्चुअल कंट्रोल, तो कौन करती है? इंडिया और चाइना को की जाती है, जिसको जो LAC के नाम से जाना जाता है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन दी वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड, तो यहाँ पे कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े जारी कौन करता है? हु रिलीज दी डाटा ऑन द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, तो CSO के द्वारा जारी किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इनमें से न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का उदाहरण है, द लिस्ट ऑफ दीज एग्जांपल ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कौन हो जाएगा? H हो जाएगा यानी हाइड्रोजन हो जाएगा। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन दी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड, कब हो जाएगा? 20 जून हो जाएगा। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक हैं, द ऑथर ऑफ द बुक क्लीन इंडिया रेवोल्यूशन, तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे देखिए परमेश्वरम अय्यर हो जाएंगे इसके लेखक, स्वच्छ भारत क्रांति जो पुस्तक उसके परमेश्वरम अय्यर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर नेशनल इनकम, इसमें क्या हो रहा है? कुछ गिर रहा है। ठीक है, योगदान जो कैसा हो रहा है? गिर हो रहा है, इट्स फॉलिंग। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? हुआ द लीडिंग मैसेंजर ऑफ द रेनेसेंस मूवमेंट इन इंडिया, तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? ड्यूरिंग होज रीजन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड, किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वह देश के कौन से राष्ट्रपति थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी पास्ट अवे, विच प्रेसिडेंट कंट्री वाज ही, तो यहाँ पे 13th पोजिशन के हो जाएंगे। इनको 2019 में नोबेल, यहाँ पे सॉरी भारत रत्न दिया गया। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विच गॉड वॉज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसके? पशुपति की जाती थी। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, द फर्स्ट डिसिपल ऑफ द महास्वामी वाज, यानी उसने फर्स्ट स्टूडेंट की बात की जा रही थी, कौन थे? जामली थे। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया लोकेट, वहाँ पर न्यू दिल्ली हो जाएगा। अगर पशु की बात करेगा एनिमल वाला, तो आपका मेरठ में हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर? ऑन विच रिवर इज द अलमाटी डैम, तो कहाँ पर हो जाएगा? कृष्णा रिवर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हुआ थी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। ध्यान रखिएगा, ठीक है, सरोजनी नायडू। विनेशा फोगाट किस खेल से संबंधित है? विनेशा फोगाट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो यहाँ पे किससे हो जाएगा? कुश्ती से, रेसलिंग से। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे इसका? लंदन में, इंग्लैंड में है। भारतीय रेलवे ने पहली रामायण एक्सप्रेस को कहाँ से शुरू किया? वेयर डिड द इंडिया रेलवे स्टार्टेड द फर्स्ट रामायण एक्सप्रेस, कहाँ से? सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, सफदरजंग रेलवे स्टेशन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू इन्वेड इंडिया वॉज, तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तीनों गोल में सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट, यहाँ गांधी इरविन समझौता, यहाँ पे 1931 हो जाएगा। निम्न से भारत का दक्षिणतम पर्वत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट माउंटेन इन इंडिया, अनाई मोदी हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, द मेन सोर्स ऑफ द इरीगेशन इन पेंसुलेरा इंडिया, तो कौन हो जाएगा? तालाब।
चार मीनार का स्मारक कहाँ है, वेरी दी मोमेंट ऑफ द चार मीनार, तो कहाँ पे, हैदराबाद में। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत था एंड इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म क्या था, अहिंसा था, नॉन वायलेंस था। धसान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में केंद्र सरकार की सहायता से किया जा रहा है, इन विच स्टेट द अर्जुन ऑक्सिलरी इरीगेशन प्रोजेक्टेड बाई द कंस्ट्रक्टेड टू धसान रिवर विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ पर किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी, वेयर डिड गुरु नानक डाई, कहाँ पर, करतारपुर में, पाकिस्तान पड़ता है। किस वर्ष साहित्य हिंदी अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, इन विच ईयर साहित्य हिंदी अकादमी अवार्ड वॉज नॉट गिवन, कहाँ पे, 96, क्योंकि चाइना और इंडिया वार हुआ था, युद्ध हुआ था। कृषि उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने के लिए कृषि लागत व मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी, विन वॉज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइसेस एस्टेब्लिश टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, इसको कब किया गया था, 1965 में। मिड डे मील योजना कब शुरू की, विन वॉज द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड यानी लॉन्च, इसको जो है 1995 में शुरू किया गया। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम कहाँ, वेर द लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, तो कहाँ पे, इंग्लैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का मुख्यालय कहाँ है, वेर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल चिल्ड्रेन क्राइसिस फंड, तो यहाँ पे कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। तो भाई फटाफट जितने लोग अभी लाइक नहीं किए सभी लाइक करें, है ना, कुछ लोग देख रहे हैं लाइक नहीं किए हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, वेन दी नेशनल बर्थडे सेलिब्रेटेड, यहाँ पे 12 नवंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 12 नवंबर। माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज दी ऑथर ऑफ द माई ट्रूथ, यहाँ पे कौन, इंदिरा गांधी। निम्न से प्राकृत निर्मित हरित गृह गैस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। देखिए बाकी जो है कुछ क्वेश्चंस, मतलब जैसे आपको अगर भाई एक्सप्लेन में देखना है तो उनको जो आपकी सीरीज पड़ी उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर देख लीजिएगा, पूरी विस्तृत में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, किस विधेयक को लोकसभा व राज्यसभा किसी भी में प्रस्तुत किया जा सकता है, विच बिल कैन बी इंट्रोड्यूस लोक एंड राज्यसभा, मतलब इसको जो है चाहे आप राज्यसभा में पहले पेश करो चाहे लोकसभा में, तो कौन है, साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल। मेगास्थनीज की पुस्तक है, मेगास्थनीज बुक कौन है, इंडिका है। निम्नलिखित में से अंतिम गठित राज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेट, तो यहाँ पे तेलंगाना हो जाएगा, 2 जून 2014 में इसको गठित किया गया। राज्य की बात कर रहा है, केंद्र शासित करेगा तो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएंगे, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को फाउंड किए गए थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसके निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, हु इलेक्टेड मेंबर नॉट पार्टिसिपेट इलेक्शन टू प्रेसिडेंट, कौन, विधान परिषद। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, अंडर होम होज दी राइट टू दी एलिमेंट्री एजुकेशन कमांडर, किसके, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। तो आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए भाई, ठीक है, और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया और इसका पीडीएफ आपको 8 तारीख को दिया जाएगा। तो इससे पहले जो है आप लोग को नाम नहीं लेना है, आराम से पहले इसको देखना है, जाके चीज़ें काफ़ी याद हो जाए, उसके बाद तब पीडीएफ देखिए, तब जो है काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको शेयर कर दें भाई दोस्तों के साथ अपने, ताकि सभी के पास ये चीज़ें पहुँच जाएँ और ताकि किसी का भी पेपर में कुछ छूटने वाला ना रहे, अगर इनसे जो है आए तो सही सभी कर जाएँ, ठीक है। मेरी कोशिश पूरी है कि भाई इन्हीं में से जो है आ जाएंगी चीज़ें, अब इससे भी अगर बाहर चला जाएगा तो भाई तब तो ज़्यादा गड़बड़ है ना, क्योंकि काफ़ी कोशिश की गई है कि चीज़ों को जो है कलेक्ट करने की, बहुत ढूंढ ढूंढ के चीज़ों को कलेक्ट किया गया है। तो जो है इसको जो है आप लोग अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल अभिताश सर, थैंक यू।